औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतान रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इरशाद हेल्थ सेंटर की तरफ से हकीम इरशाद सैन तमाम नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू। आज की हमारी वीडियो है मेरे गरीब दोस्तों के लिए, मेरे भाइयों के लिए, मेरे बुज़ुर्गों के लिए, जो मर्दाना तौर पर वीकनेस हैं, जिनको मर्दाना कमज़ोरी है, जिनके नफ्स की कमज़ोरी है, जिनके पट्ठे कमज़ोर हैं, जिनको असाबी कमज़ोरी है, जिनको टाइमिंग की कमी है, उन मेरे दोस्तों के लिए एक सस्ता तरीन नुस्खा बताने वाला हूँ कि वो इसका इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे तो इंशाल्लाह चंद ही दिनों में अफाका आना शुरू हो जाएगा और अल्लाह पाक उनको शफा अता फरमाएंगे। नुस्खा नोट फरमा लें, सिर्फ दो तीन चीज़ें हैं, आपको बआसानी मिल जाएंगी, किसी भी करीबी पंसार स्रोत से आपको ये मिल सकती हैं। नंबर एक पर आपने लेनी है लाजवंती, लेनी है 50 ग्राम। नंबर दो पर है शिलका इस्कबोल का, लेना है आपने 50 ग्राम। और नंबर तीन पर है गूंद कीकर, लेनी है आपने 50 ग्राम। ये तीन किस्म की चीज़ें हैं। गूंद कीकर को आपने ब्रिक पाउडर कर लें और बाकी दो चीज़ें वैसे ही इसके अंदर डाल लें। इसका तरीका इस्तेमाल ये है कि एक चम्मच सुबह को आपने नहार पेट इस्तेमाल करना है और एक शाम को नीम गर्म दूध के साथ इस्तेमाल करना है। तो इंशाल्लाह चंद ही दिनों में आप देखेंगे कि जिन मेरे दोस्तों को मर्दाना कमज़ोरी है, जिनके पट्ठे दर्द करते हैं, जिनके जिनका जिस्म दर्द करता है, जिनको किसी तरह की भी वीकनेस है, उनको टाइमिंग के मसाइल हैं, उनके नफ्स कमज़ोर हैं, तो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल ठीक हो जाएंगे और अल्लाह पाक उनको शफा अता फरमाएंगे। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, आगे दोस्तों को शेयर करें, बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अल्लाह पाक आपको, आपकी फैमिली को लिए, आपके बच्चों के लिए आसानियां पैदा फरमाए। जज़ाकअल्लाह व हसनल जज़ा।